सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड्स ऑफ यूट्यूब चैनल जिसी ऑफ ब्लॉग भाई। आज के ब्लॉग में आपको फिर से लेकर आया हूँ कार हेवन अशोक विहार न्यू दिल्ली। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऑडी Q7। आइए दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस उसके अंदर करने वाला। तो मैं कैसे हो आप? पहले बहुत बढ़िया यार, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अभी क्या करने वाले हो ऑडी Q7 के अंदर आप? यार पहले तो बता दो, मेरे ड्रेस कोड नहीं है, आप एक ही दिन में वीडियो बना रहे हो, लोगों को ये ना लगे रोजी पहनते हैं। एक गाड़ी ये रही, एक गाड़ी वो रही और एक गाड़ी ये रही, हम एक ही दिन में शूट कर रहे हैं। तो मैं क्या करने वाले हो Q5 के Q7 के अंदर बेसिकली? यार इसमें एक तो बाहर की हालत बहुत खराब है गाड़ी की। ठीक है, कंडीशन बहुत खराब है, देखो गाड़ी पुरानी गाड़ी है ना यार, ये साफ करने के बाद भी सोल मार्क्स काफी है इसके अंदर, स्क्रैचेस हो गए। ये देखो ग्रिल देखो, अरे बाप रे ग्रिल तो गई इसकी। ये भी क्लीन होती है कि चेंज होगी? डिटेलिंग होगी, क्लीन हो जाएगी पूरी ये। अच्छा, और गाड़ी भी, पूरी गाड़ी में हम सेरेमिक कोटिंग करेंगे, कोटिंग होगी पूरी गाड़ी, गाड़ी के ग्लास वापस आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी मैं एक बात के मैं देखूं ना, गाड़ी का कलर ब्लैक है तो मेरे हिसाब से पीपीएफ नहीं होनी चाहिए, रफ चलाने वाले गाड़ी हर बंदा नहीं कराता, नहीं कराता। चलो ठीक है, वैसे अगर ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप रफ गाड़ी चलाते हो तो पीपीएफ करा लो, बेस्ट है ना भैया। चलो ये तो हो गया हमारी गाड़ी की बॉडी की बात, में इसके बाद आप क्या करने वाले हो गाड़ी के अंदर? यार इंटीरियर में हम इसमें स्टीरियो लगाएंगे। स्टीरियो अभी कौन सा लगा भी इसके अंदर? अभी इसके अंदर जो है कंपनी का OEM यहाँ पे लगा हुआ है, अब हम जो है इसको यहाँ से रिप्लेस हम यहाँ से करने वाले। तो ये भी गाड़ी के अंदर हम आ गए, हम यहाँ पे हेड यूनिट में देख पा रहा हूँ, एक तो पहले फैक्ट्री फिटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लगवाने वाले? एंड्रॉइड लग जाएगा इसके अंदर 10 इंच वाला, इतना बड़ा लगेगा। अच्छा कितना बड़ा भैया दोबारा बताओ? अप्रॉक्सिमेटली इतना आएगा। अच्छा इतना आएगा, अच्छा प्रॉपर फ्रेम के साथ आएगा। ठीक है, तो बाकी हम आपको आगे आगे दिखाते रहेंगे। जैसे इसके अंदर तो देखो ऑडी Q7 है, तो इसके अंदर तो बतेरे फीचर होंगे जो इसके अंदर आते होंगे। सारे चलेंगे यार, सारे चलेंगे हमारे। और इसमें बर्ड व्यू कैमरा भी लगा रहे हैं, कहते हैं जिसे 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। चलो मैं आपकी, अगर आज की डेट में ये गाड़ी आ रही होगी तो 360 के साथ ही आ रही होगी, लेकिन ये गाड़ी लेटेस्ट फीचर के साथ आई रही है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब आप इसको एक तरह से अपग्रेड कर रहे हो पूरा। हाँ जी ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा जो है इसका हेड यूनिट है, क्योंकि जो भाई वो सारे के सारे फीचर उठा रहा है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर एक ही फीचर गाड़ी का वर्क करेगा। ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर में देख पा रहा हूँ कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हटाई हुई है, ये भी कैमरा की वायरिंग हो रही है ना। ओके, कैमरा की वायरिंग वगैरह हो रही है हमारी। ठीक है, इस गाड़ी के अंदर आप क्या कर सकते हो? और वैसे यार और तो हम कर ही रहे हैं, जिसमें इसमें स्टार लाइट लगाएंगे। अच्छा स्टार लाइट, गैलेक्सी लाइट्स कहते हैं। अच्छा गैलेक्सी लाइट, यहाँ पे कई गाड़ी में आपने पहले दिखाई हुई है, हम लोग Q5 में भी बहुत लगाई है। हाँ 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 हाँ, तो मतलब वो भी हम इसके अंदर करने वाले हैं। इसमें इंटीरियर कुछ हो रखा है, उसको हम ठीक करेंगे यार, जो ठीक नहीं है। ठीक ठीक, समझ रहा हूँ मैं, उसको रेक्टिफाई करेंगे। ये देखो, जैसे ये देख लो इसके नीचे कैसे हो रखा है, ये फ्रंट में पूरा डल पड़ा हुआ, मतलब डिटेलिंग भी मांग रही है प्रॉपर, कम ठीक करके देंगे यार। मैं अभी इस गाड़ी में बैठ के थोड़ी स्मेल भी लग रही है, तो मतलब वो सारी चीजें यहाँ से पूरी क्लियर होगी। हाँ जी, मैं जैसे अब ये एम्बिएंट लाइट लगाएंगे हम इसमें। अच्छा एम्बिएंट लाइट भी लगाएंगे। हाँ जी, इस गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट पहले नहीं थी सर? नहीं थी, होनी चाहिए यार, इतनी बड़ी गाड़ी थी बिना, मतलब इसके अंदर एम्बिएंट लाइट लगेगी ना तो नेक्स्ट लेवल की लुक आएगी इसकी। लगा के देंगे। अच्छा, ये मैं देख पा रहा हूँ उसका स्टीयरिंग की हालत भी काफी बुरी है यार। हाँ सारा फटा हुआ है यार, पूरा का पूरा गया हुआ है स्टीयरिंग, ये भी स्टीयरिंग पूरा प्रॉपर रैप करेंगे, प्रॉपर न्यू रैप होगा इसके अंदर भी, पर ऐसे स्टीयरिंग हो क्यों जाता है भैया? यार यूज के ऊपर होता है ऐसे। अच्छा, वैसे यूज के ऊपर है। हाँ ये भी है, बाकी इंटीरियर में तो कुछ करने की नीड नहीं है इसके अंदर, इंटीरियर में ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक ठीक ठीक, मैं जितना बताया उतना काम हो रहा है इसमें। चलो बाकी आगे आगे वीडियो बने रही है, काफी सारी जो है इसके अंदर जितनी भी चेंजेस होंगी उस आपको आगे आगे जो पता लगती दिखाते रहेंगे जरूर। ठीक, तो यहाँ पे अपनी कार हो गई है पूरी तरह से कंप्लीट। विम भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया। विम भैया गाड़ी आपने Q7 आपने रेडी करी है, तो इसके अंदर आपने क्या क्या काम किया है पहले एक्सटीरियर बता दो भैया। एक्सटीरियर में हमने तो सबसे पहले करा गाड़ी की शक्ल निकाली है। देख लो भाई, जब गाड़ी हमने पहले देखी थी तो ये गाड़ी के अंदर बिल्कुल ग्लॉस नहीं था, और ये लगा लो कि इस टाइम पे ग्लॉस आप लोगों के सामने है, पूरी गाड़ी का चमक रही है गाड़ी पूरी। क्या किया भैया इसके ऊपर आपने? हमने इस पे कोटिंग्स करी है। कोटिंग करी है, कोटिंग करते हैं टॉप एंड, तो सेरेमिक कोटिंग करते हैं हम। ठीक ठीक ठीक। गाड़ी आई थी बहुत ज्यादा डल थी। बहुत ज्यादा डल थी। हाँ वो मैंने इन लोगों को दिखाई, जो गाड़ी आई थी बहुत ज्यादा डल थी,
अब इस टाइम पे गाड़ी की लुक जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है। ब्लैक कलर तो हाईली मेंटेनेंस मांगता ही मांगता है, मजा ही नहीं आता भाई। मैं तो ये बोलता हूँ कि सिरेमिक से भी अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो पीपीएफ करा लो ना भैया, पीपीएफ बेस्ट है। ये लाइफ भी ज्यादा है और मेंटेनेंस मेरे ख्याल से जीरो मेंटेनेंस और रफ चलने के लिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भी ये तो होगी हमारी बॉडी की बात। आपने फ्रंट पे कुछ किया है? ये पहले बहुत ज्यादा बेकार सी लग रही थी। अच्छा क्लीन करने से इतना फर्क पड़ गया? मैं डिटेलिंग करी बेसिकली, हाँ तो वो डिटेलिंग करके भी अच्छा खासा फर्क पड़ गया इसके अंदर। भी एक चीज मैं देख पा रहा हूँ फ्रंट में, आपने कैमरा यहाँ पे प्लेस किया हुआ है 360 डिग्री कैमरा लगा है, तो और कैमरे से कहाँ कहाँ लगते हैं भैया? एक फ्रंट पे है, दो साइड मिरर्स के नीचे होते हैं लेफ्ट राइट और एक रियर में होता है। चलो एक बार साइड मिरर पे चल चल दिखा भी दो कि आपने कैमरे की प्लेसमेंट कहाँ पे की है। तो ये रही अपनी कैमरे की प्लेसमेंट, यहाँ आपको नजर आएगी ये रही। अब मतलब साइड का सारा सरफेस वगैरह पूरा नजर आएगा क्लियर, पूरी गाड़ी नजर आएगी प्रॉपर अराउंड द व्यू पूरी गाड़ी। ठीक है, अभी पीछे भी लगा कैमरा, भी पीछे भी दिखा देते हैं आप लोगों को क्योंकि 360 डिग्री कैमरे की डिमांड अब हर कोई कर रहा है। तो बट उसके बारे में डिटेल पूरी बताओ नीचे आप लोगों को। ये देखो कैमरे की प्लेसमेंट ये कर रखी है, मतलब चारों तरफ एक एक कैमरा सेट। हाँ जी ठीक है। अब मेन का हमारा गाड़ी के इंटीरियर पे, हेड यूनिट लगाया ठीक, हेड यूनिट चेंज किया है ना, दिखाते हैं उन लोगों को। आओ तो गाड़ी के अंदर ना, अगर आपके पास भी Q7 है Q5 है कोई सी भी कार है कोई सी भी, तो ना मैं आपको यही बोलूँगा कि ऐसे ना आप अपनी कार के अंदर हेड यूनिट चेंज करवा लेना। ये देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। तो गाड़ी के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे मेरा ध्यान सबसे पहले जाता है अपने हेड यूनिट पे, सारा सा ध्यान चला गया। देख रहा हूँ भैया कितना इंचेस है हमारा, ये 10.25 इंचेस की इसकी हेड यूनिट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। मेरे ख्याल से जो गाड़ी है पहले लगा हुआ था वो तो आउटडेटेड रहा होगा अब के टाइम से, भाई 10 साल पुरानी गाड़ी है। और हेड यूनिट देख लो भैया ने पूरा इसके अंदर चेंज कर दिया, देखो सारे, अच्छा ये देखो सारे फीचर आ रहे हैं, ये देखो नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ है जी। अरे भाई यूट्यूब भी है, मैप भी है, सब चीज है इसके अंदर, गूगल क्रोम वगैरह, सही है यार। और जो पहले वाला सिस्टम रहा होगा वो छोटा सा रहा होगा इसका, आधा छोटा सा मॉनिटर रहा होगा छोटा सा, जिन लोगों के पास गाड़ी है उन लोगों को पता होगा। अच्छा अच्छा मीटर मीटर वगैरह सब काम कर रहे हैं। ओहो ये तो एबर एक्सीड करना भैया, ओह वाओ ये देख रहे हो सारा चीज़ प्रॉपरली वर्किंग है। अच्छा भैया जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे आपने हेड यूनिट इसका चेंज कर दिया तो कंपनी वाले हेड यूनिट बहुत सारे फीचर जो है काम करते होंगे, सब काम करेंगे इसके अंदर भी, सही है यार। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी चीज़ फीचर जो है इसके अंदर काम करे, ऐसा ना हो कि अगर हेड यूनिट चेंज हो तो ये देखो, ये देख लो भैया सर आपका जॉयस्टिक भी काम कर रहे हैं, जॉयस्टिक देखो ये करना भाई जॉयस्टिक करना ऊपर नीचे, ये देखो अरे वाह प्रॉपरली वर्किंग, मतलब जितने भी इसके अंदर बटन से सारे प्रॉपरली वर्किंग है सारे। ये देखो भैया नीचे से बटन दबा रहे हैं, कंपनी के होते वैसे आप ही इस टाइम पे जॉयस्टिक आप यूज कर रहे हो ना। ये देखो नीचे यहाँ पर है जो उसके बटन है वो यहाँ के हिसाब से चल रहे हैं विदाउट एनी टच। ये सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के अंदर, मतलब हेड यूनिट के अंदर की, मतलब जितने भी गाड़ी के अंदर जैसे फीचर तो सब है। ये देखो भैया सारे फीचर प्रॉपरली वर्किंग है। भी ये तो हमारे आपने Q7 में लगाया है, और क्या ऐसे सिस्टम और कई गाड़ियों के लिए भी आते हैं? हर गाड़ी के लिए आता है, हर गाड़ी के लिए है, मतलब हर गाड़ी के लिए हो, BMW हो, Mercedes हो, मतलब जो लोग अपने हेड यूनिट से परेशान है कि बहुत छोटी है और लिमिटेड चीजें मिलती है तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट चीज है। तो भाई ये है फुल्ली एंड्रॉइड अपना, है ना भैया? हाँ चलो ये फुल्ली एंड्रॉइड है और अच्छा है, मतलब ये लगा लो थार वार में भी अपने डाला हुआ है इसको, सब में डालते हैं सब में डल जाता है ऑल फीचर्स। हाँ जी चलो भाई ये सही है, अगर आप में से किसी को डाउट होगा तो कमेंट कर लेना ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि डाउट गुंजाइश बची है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली वर्किंग भी है। ठीक है ये तो हो गया भैया हमारा हेड यूनिट, ये इसके अलावा हमने इसके अंदर एम्बियंस लाइट भी डाली है, बिल्कुल डाल लीजिए। ये देखो डोर से भैया की साइड पर, ये देखो एम्बियंस लाइट भी इसके अंदर इंस्टॉल की है। भैया अगर एम्बियंस लाइट ऐसे मत दिखाओ, अंधेरा करके दिखाएंगे हम, तो हमने गाड़ी में कर लिया एकदम अंधेरा। ये देख लो भैया सामने पहले तो एम्बियंस लाइट आप लोगों को नजर आ रही होगी, भैया कितने पीस वाली है हमारी एम्बियंस लाइट, क्योंकि कुछ सब जगह नजर आ रही है 18 पीसेस। ये देखो एक तो भैया ने लगाई है हमारे डोर ओपनर के अंदर ठीक है, और एक नीचे लगाई है, और नीचे भी कुछ लगाया आपने, ये देखो कितनी अमेजिंग लग रही है यार, ये देख रहे हो ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है, यूनिक यूनिक चीज़ दिखाते रहते हो हमारे भाई, डिफरेंट चीज़ दिखाएंगे तभी तो दिखाएगा लोगों को, लेकिन ऐसे पर अंधेरा बहुत हो गया, आपको रंग से दिखाता हूँ। भैया पैरों में भी यहाँ पे लाइट मिलती है हमको, सही है। और इसके अलावा पर पीछे डोर्स वगैरह आपके सामने वाला देख पा रहा हूँ, सब जगह है जी, सब जगह है 18 पीसेस आप कह रहे हो। हाँ जी, और जो आपने सबसे भयंकर चीज लगाई है वो ये रही भाई गैलेक्सी लाइट, ये देख लो गैलेक्सी लाइट्स, भाई साहब इसके अंदर गैलेक्सी लाइट का मजा ही अलग है,
भाई टोरे ही लगे, देख रहे हो पूरा यूनिवर्स लग रहा है इसके अंदर लगा हुआ। अब देखो भाई उसके अंदर किसी की गाड़ी में अगर सिंगल से आई तो पूरी डबल पूरी आगे से पीछे पैनोरामिक में लगी लग जाएगी। और भैया किसी ने अगर आफ्टर मार्केट लगा रखी है लग जाएगी। और अगर किसी की वैसी वाली है कि मैनुअल वाली खोलता नहीं है बस परमानेंट है उसमें लग सकती है, सब पे लग जाएगी ना। ठीक है तो ये देख लो भाइयों क्या अमेजिंग लग रही है यार। भैया ये तो बहुत जबरदस्त लग रही है, इसमें चांद तारे सब कुछ है। हाँ जी ये देखो भैया चांद तारे सब कुछ मिल जाएंगे आपको। ये भाई बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी गाड़ी रेडी हो तो मजा आता है, डिफरेंट चीज तो वैसी अच्छी लगती है। हाँ तो भैया इसकी क्या कहते हैं कितना टाइम ले जाता है ऐसे गाड़ी को रेडी करने में इनको? यार लग जाते हैं 3-4 दिन, 3-4 दिन आराम से। और किसी को अगर सिर्फ ये रूफ पे स्टार लाइट लगवानी हो, मतलब इस तरीके की गैलेक्सी लाइट लगवानी हो तो कितना टाइम लगता है इसमें भैया? एक दिन चाहिए मतलब प्रॉपर फिटमेंट खोलने के लिए। हाँ ये भी है कि अगर काम अच्छा चाहिए तो टाइम देना ही पड़ेगा, जैसा मर्जी कर लो सही बात। अभी एक चीज नोट करी, ये देख रहा हूँ ये डोर खुला हुआ है तो इसमें भी ये भी दिखा रहा है, ये देखो इंडिकेशन दे रहा है डोर खुला हुआ है और यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखो डोर खोल के। अच्छा भैया बातें तो कह ही रहे हम, 360 डिग्री कैमरा भी दिखाओ, रिवर्स कैमरा डालते हैं, लाइट की नीड ही नहीं है, जरूरत नहीं है यार। ये देखो भाई सही में यार क्लियरिटी देखो, ये डोर मैंने खोला हुआ है, मैं अंदर आया था भाई। अब सारे कैमरास वर्क करेंगे प्रॉपरली, सारे कैमरास वर्क कर रहे हैं। ये फ्रंट का हमारा भैया जी ठीक है, ये रियर हो गया, साइड्स हो गए रियर हो गए, ये साइड्स हमारे भैया खड़े हैं अभी। ये देखो ये खड़े कैमरे में दिखाता हूं, ये खड़े भैया हमारे रियर की फोटो, और ये रियर की आ गई तो यहाँ। अब भैया चले गए वहाँ पीछे, अब वो पूरे गाड़ी के जो है वॉक अराउंड घूमेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा 360 डिग्री कैमरा के अंदर ठीक है। तो ये हमारे भैया जो है ये रहे सामने, ये देखो यहाँ पे, और ये रहे भैया सामने से निकल रहे हैं, और ये अब हमारे भैया जो है फ्रंट से जा रहे हैं, ये पैर आपको दिख रहे होंगे ठीक है। अब ये आएंगे साइड में, ये आगे साइड में, ये गए देखो ये जा रहे हैं पूरे प्रॉपर कैमरे में क्लियर दिख रहा है। ये देखो ये भैया पीछे की तरफ आगे ठीक, बल्कि अभी इसमें थोड़ी सी कैलिब्रेशन की और रिक्वायरमेंट है। हाँ अभी हम कैलिब्रेट भी करेंगे। अच्छा कैलिब्रेट करना बाकी है थोड़ा बहुत। हाँ जी भैया बोल देखो बाहर से गए, यहाँ पे दिख ही रहे अभी भी भैया फ्रंट कैमरा भी इसमें ऑन हो सकता है ना, पीछे भैया खड़े जैसे भैया रुक गए सामने, वो देखो वो रुके हुए, और ये रहे उनके पैर यहाँ पे। तो मतलब ये है कि अगर भी 360 डिग्री कैमरे का क्या होता है कि ना कैलिब्रेट करना पड़ता है प्रॉपर। हाँ जी अगर कैलिब्रेट ना करे तो फायदा ही नहीं है, लगाने का फायदा नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा मेरे ख्याल से, फायदा नहीं लगाने का, फायदा नहीं, ऐसे लगे सिर्फ 4 कैमरा लगे हुए हैं अलग अलग चल रहे हैं। अच्छा ये भी है, और इसको कैलिब्रेट करने के लिए भी करना क्या पड़ता है आपको? क्लॉथ से रख के प्रॉपर कैलिब्रेशन होती है। अच्छा जो ब्लैक एंड व्हाइट क्लॉथ आप रख के करते हो, अच्छा सही है, भी सही है, मतलब अगर प्रॉपर काम चीज तो टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है अगर नॉर्मल अगर किसी को इंटीरियर करवाना है तो कितना टाइम लग जाता है आपको? पांच सात दिन लगेंगे गाड़ी, और मेरे ख्याल से गाड़ी आपके पास टचवुड बहुत दूर दूर से आती है हर एक काम होने के लिए, चाहे तो कोटिंग होगी चाहे तो कोई भी कन्वर्ट होगी, और मतलब ये है कि ट्रस्ट बना हुआ है तभी आपके पास गाड़ियां दूर से आ। हाँ जी ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई नहीं आता। हाँ ये ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई ऑब्वियसली बात है, हाँ नहीं भी आएगा। भैया अपना एक बार एड्रेस बता दो, कार हेवन अशोक विहार फेज 2 न्यू दिल्ली। ठीक है तो अपनी एक ही ब्रांच है अभी न्यू दिल्ली में। हाँ खाली क्योंकि लोग हमसे कई बार पूछते हैं इंस्टाग्राम पे भी कि भैया की कार है, कोई और ब्रांच भी है क्या? तो अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में जल्दी आपको सरप्राइज देंगे। चलो ठीक है फ्यूचर में आप लोग अच्छा सरप्राइज आने वाला है, और उन लोगों के लिए खास करके ये सरप्राइज होगा जिन लोगों को अपनी लेजेंडर कन्वर्ट करवानी है, और हाँ भैया कोई भी कस्टमाइजेशन करानी है उनके लिए सरप्राइज जल्दी। अच्छा कोई भी कस्टमाइजेशन मेरी गाड़ी पहले करवाऊंगा। चलो आज के लिए इतना था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा विम्पी भैया के फ्यूचर में और वीडियोस में। टिल देन बाय।